जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं एक और कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जो कुंडली है वो आदित्य सिंह जी की है। आदित्य सिंह जी, आपने जो डिटेल दी है वो सुनिए। डेट ऑफ बर्थ 4/4/2000, टाइम 5 AM, पैलेस दरभंगा बिहार इंडिया। आपने कहा हमेशा इमोशनली फील करता हूँ, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, परेशान रहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? कैरियर और रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएंगे, ये आपके प्रश्न थे। तो आदित्य सिंह जी, आपकी जो लग्न कुंडली है, जन्मांक चक्र है, वो सब कुछ बयां करता है। मीन लग्न की कुंडली है, लग्न में ही सूर्य चंद्रमा शुक्र की युति, द्वितीय भाव में धन के भाव में मंगल शनि गुरु विराजमान है। बात करें पंचम भाव चंद्रमा की राशि, जहां विराजमान है पंचमी चंद्रमा है, उनके घर में राहु विराजमान है। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, पेट दर्द का। बात करते हैं 11th हाउस लाभ की। बड़े भाई बहनों का जो भाव है वो केतु उसमें मकर राशि में सुशोभित है, विराजमान है। 12वें भाव में बुध कुंभ राशि में शोभायमान है। तो सूर्य चंद्रमा साथ बैठ जाए जिस भी भाव में, अमावस्या योग निर्माण करते हैं। सूर्य अग्नि है, तेज है, प्रताप है, चंद्रमा शिथिलता है, ठंड है, जल है, सूर्य पिता है, चंद्रमा माँ है, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। सूर्य लाल वर्ण के हैं, चंद्रमा श्वेत वर्ण के हैं, शांति धारक हैं। लेकिन ये दोनों जब साथ में बैठ जाते हैं, परम मित्र हैं, फिर भी एक अग्नि है, जल है, मेल नहीं हो सकता। तो सूर्य के पास में जो भी ग्रह जाता है उसको ये अस्त कर देते हैं। तो जो आपके चंद्रमा है वो पास चले गए अमावस्या योग का निर्माण, अमावस्या योग जिस भी भाव में बन जाता है उस घर को, उस भाव को वो खराब कर देता है। बात करते हैं मीन लग्न है, अर्थात चर लग्न है, जल तत्व की राशि है, उसमें सूर्य को उपस्थित होना, चंद्रमा पीड़ित है सूर्य से, चंद्रमा के घर में राहु विराजमान है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में विराजमान है, तो जो आपका मन है वो स्थिर रह ही नहीं सकता। चंद्रमा खुद जल है, वो स्थिर नहीं रह सकता। और आपकी जो लग्न राशि है वो भी मीन है, वो भी जल तत्व की है, अमावस्या योग बना हुआ है। तो जो आपका चित्त है, जो आपका मन है, दिल है, वो स्थिर नहीं रह सकता। उसमें कोई ना कोई विचार आते रहते हैं, बनते रहते हैं,
एक अजीब सा डर बना रहता है। दूसरा, ऐसा इंसान अधिकतर अपने ही ख्वाबों में, अपने ही उधेड़बुन में लगा रहता है, अधिकतर खुद को कोसता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे इंसान दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन इस दोष की वजह से उनके शरीर में शिथिलता आ जाती है, आराम से काम करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो इनको थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं। तो यह भाव जो है अमावस्या दोष, ये आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। लग्न है, लग्न हमारी कुंडली का सबसे मेन पार्ट, यानी अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो ये हमारे बैकबोन होता है लग्न, वो ही इस दोष ने इसको पीड़ित कर रखा है। अब द्वितीय भाव में मंगल और शनि गुरु अर्थात लग्नेश आपके जो हैं, मंगल शनि दोनों पापी और क्रूर ग्रह हैं, उनके साथ में गुरु चले गए लग्नेश होकर, तो वो भी पीड़ित हो गए। वैसे गुरु दूसरे भाव में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह के साथ में है। मंगल अपने ही घर में है, धनेश है, बहुत अच्छा है, लेकिन शनि भी विराजमान है नीच राशि के होकर, अर्थात लाभेश और विदेश खर्च के भाव के जो स्वामी है वो धन भाव, यानी कि आपको कमाने के लिए या विध्यन अध्ययन के लिए बाहर रहना चाहिए, वहां से आपको ज्ञान अर्जित करना है, वहां से आपको कर्म के लिए सोचना है, तो आपको फायदा होगा। मंगल शनि क्या है, ये दूसरा भाव हमारे धन का भी होता है, हमारी वाणी का भी होता है, हमारे परिवार का भी होता है, कुटुंब का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, तो मंगल लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन शनि ऐसे ही नहीं देंगे, मेहनत करवाते हैं। अब इनकी दूसरे भाव से दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर, आयु के भाव पर, कॉमन सेंस के भाव पर, मृत्यु के भाव पर, आकस्मिक धन के भाव पर पड़ी हुई है। तो ये धन आपको उपलब्ध अवश्य करवाएंगे, लेकिन आपके चित्त में स्थिरता नहीं रहेगी, और चंद्रमा जो है मन है वो शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र उच्च का है मीन राशि में, तो ये आपको इमोशनली अटैच करेगा, चंद्र और शुक्र इमोशनली बढ़ा देते हैं, भावुकता प्रिय कर देते हैं, आदमी बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाता है। तो ये तो था आपकी जो लग्न कुंडली है, जो आपने पूछा कि इमोशनली फील करता हूँ, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये हमारा मन है, वो पीड़ित है। सबसे पहले आपने जब जन्म लिया, तिथि थी अमावस्या, अमावस्या पे जितने भी जो जन्म लेते हैं उनको थोड़ा सा अभाव ही रहता है जिंदगी में, संघर्ष के बाद में सफलता मिलती है, फिर भी ऐसा होता है कि खूब मेहनत करता है, अपनों के लिए भी मेहनत करता है, मित्रों के लिए भी मेहनत करता है, लेकिन उसको श्रेय कम ही मिल पाता है। बात करते हैं अमावस्या तिथि, कारण आपका चतुष्पद है, योग ब्रह्मा, नक्षत्र जो है उत्तराभाद्रपद नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में जय आपका शुभ अक्षर है, तांबे का पाया है, वर्ण विप्र है अर्थात ब्राह्मण है, योनि गोकी है, गण मनुष्य है, नाड़ी मध्य है, राशि मीन, स्वामी गुरु, लग्न मीन
राशि स्वामी गुरु, अर्थात आपका जो लग्न है राशि है उनके स्वामी हो गए गुरु। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, जैसे बताया शनि इनके स्वामी है। तो ये है आपका विवरण, अभी जो आपके महादशा चली हुई है बुध की है, 18/9/2008 से 19/9/2025 तक। बुध चलित कुंडली में लग्न के अंदर ही विराजमान है, मीन राशि में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं चलित कुंडली में, अर्थात नीच के हैं। तो अभी ये जो आपकी बुद्धि है उसको स्थिर नहीं रखेंगे तीसरे और छठे भाव के स्वामी। तीसरा सुख का, परिवार का, माँ का भाव है, मकान वाहन सुख का भाव है, उसका भाव है अच्छे हैं। छठा राशि कन्या राशि है, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी भी यही है, व्यापार भाव के स्वामी भी यही है। लेकिन अभी इनके साथ जो अंतरदशा चल रही है वो राहु की है, 17/3/2018 से 4/10/2020 तक। तो बुध जो है ना पुष्य ग्रह है, बच्चा ग्रह है, वो राहु की जैसी उसने बुद्धि धारण की हुई है। राहु राक्षस ग्रह है, आकस्मिकता वाला ग्रह है, उग्र ग्रह है। तो बुध भी अब आपकी बुद्धि को वैसा ही राहु कर देगा। खास जो समय संभालने का है आपके लिए, सावधानी भरने भरा समय जो है वो 2023 तक है, 26/6/2023 तक। इसको आप सावधानी से व्यतीत कीजिए, सोच समझ कर व्यतीत कीजिए, जितना उसके धैर्य से काम लीजिए बहुत अच्छा समय गुजरेगा। लग्न भी आपका जो है मीन लग्न जो है वो 07 डिग्री का, अर्थात मजबूत लग्न नहीं है। लग्न को मजबूत करना हो तो किसी दूसरे के घर का भोजन अन्न ग्रहण नहीं करते, नमक ग्रहण नहीं करते, और योगा प्राणायाम करते हैं जिससे लग्न मजबूत होता है। चंद्रमा जो आपके पंचमेश हैं, जो भावनाओं के कारक हैं, पांचवा भाव में पंचम भाव के स्वामी हो गए चंद्रमा। चंद्रमा वैसे भी मन के कारक हैं, चंद्रमा वैसे बात करें पंचम भाव के स्वामी हो गए तो पांचों भाव जो होता है वो हमारा भावनाओं का होता है, मन और भावना दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे, भावना जो आपकी इमोशनली रहेगी। तो ये भी 10 डिग्री के ही है, उत्तर भाद्रपद अर्थात शनि के नक्षत्र में है, तो शनि मानसिक चिंता अवश्य देते हैं। गुरु अर्थात राशि स्वामी है, लग्न के स्वामी है, उमेश राशि मंगल के घर में स्थित है, अर्थात गुरु ग्रह है मंगल, तो यहाँ से भी ये आपको पीड़ा देते हैं। अब बात करते हैं अमावस्या दोष जो उत्पन्न है आपके लग्न में, जो आपको मन को स्थिर नहीं रहने देता, इमोशनली आपको ज़्यादा दुख देता है, परेशान रहते हैं, उसका क्या किया जाए जिससे आपको शांति प्राप्त हो। तो आदित्य जी, आप अमावस्या दोष इसका शांति अवश्य करिए, इंसान खुद ही कर सकता है सब कुछ। सोमवती अमावस, जब अमावस सोमवार को पड़े, शनि अमावस जब अमावस शनिवार को पड़े, या ये दो अमावस बड़ी होती हैं, बाकी आपको हर अमावस को भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग स्थित हो वहाँ जाइए, पास में ही, वहाँ जाकर सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल, कुएं का हो, नदी का हो, कैसा भी हो, नल का भी हो तो भी चलेगा, शुद्ध होना चाहिए, ताम्र के पात्र में लीजिए और गंगा जल की एक बूंद डालिए आप उसमें, वो गंगा जल बन जाएगा, वो भगवान शिव को आपको चढ़ाना है, पूर्वाभिमुख
बैठकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना। ये याद रखिए, 8 बार ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना, आराम से चढ़ाइए, उतना ही फायदा होगा। ये जो है आप यदि करते हैं भगवान शिव की ऐसे पूजा, ये साधारण पूजा होती है जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं मन के लिए, जिससे चंद्रमा बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। तो आपको सूर्योदय से पहले ये करना है, जल चढ़ाना है, हो सके तो सफ़ेद चंदन है, दूध है, ये आपको कच्चा दूध गाय का मिल जाए थोड़ा सा, वो डाल के एक स्टील या चांदी की नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, स्टील है, मिट्टी का बर्तन है, उसमें आप थोड़ा दूध, शक्कर ये डाल दीजिए, सफ़ेद चंदन डाल दीजिए, पहले जल से ओम नमः शिवाय कहते हुए जल डालिए, फिर दूध से, फिर वापस जल से ओम नमः शिवाय कहते हुए जल डालिए, फिर आप 5, 5 से ऊपर, 5, 7, 11, 21, 51 जितने भी हों बिल पत्र अर्पित कीजिए, उल्टे बिल पत्र चढ़ाइए भोलेनाथ जी को। इससे जो आपका मन है वो एकदम स्थिर हो जाएगा, इमोशनली जो भावनाएं हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगी। ये आपको हर प्रतिदिन करना है, भगवान शिव की सेवा, शिवलिंग के सामने बैठकर आप उनका ध्यान कीजिए, कोई भी मंत्र का जाप कीजिए, वो आपको फायदा देगा। अब बात करते हैं, जितनी भी अमावस्या आती हैं उनका अगर आप व्रत करते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपको जैसे दान है, वस्त्रों का दान है, वो कर सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ों का दान कर सकते हैं, गौशाला में आप हरा चारा है, गुड़ है, गौ सेवा कर सकते हैं, गायों को जल पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप जहाँ भी जल का यूज हो रहा हो, मिसयूज हो रहा हो, जल बर्बाद हो रहा हो, उसको आप सेफ्टी कीजिए, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। माता जी अर्थात आपकी जो माँ है, जननी है, उनकी भी आप सुबह उठते के साथ अगर चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अगर वो प्रसन्न होती हैं तो भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा, मन स्थिर रहेगा। अमावस दोष हमारे घर में पितृदोष का भी निर्धारण कर देता है, बता देता है कि हाँ इनके घर में पितृदोष है, तो पितरों की भी आप सेवा कीजिए अमावस्या वाले दिन, उनको अमावस्या वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन आप उनको खीर का भोग लगाइए, वो प्रसन्न, तो घर में सब प्रसन्न हो जाते हैं, वो सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, आपकी चिंताओं को हर लेंगे। जितना हो सके दूसरों की सेवा कीजिए, जैसे कोई गरीब हो, असमर्थ हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा आप दान कीजिए, मेहनत जो कर रहे हो आप किसी के साथ लग के उसका काम करवा दीजिए, वो खुश हो जाएगा, तो भी आपका मन मजबूत होगा, चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। गीता का दूसरा अध्याय, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में बताया है, उसका आप अध्ययन कीजिए, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, मन क्या चीज है, स्थिर क्यों नहीं रहता, अस्थिरता का क्या कारण है, सब आपको पता चलेगा जब उस चीज को आप उस चीज से आप जुड़ेंगे। पूर्णिमा पर आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, जल थोड़ी शक्कर मिलाकर उनको ओम बालचंद्राय नमः मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें, जब वो पूरा चांद निकलते हैं तब।
तो चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदाता हो जाएगा। शंख, सफेद चंदन, ये आप जब भी स्नान करें डालकर उस जल में, फिर आप स्नान करें, अद्भुत फायदा आपको मिलेगा। आपके जो इतनी पूजा बताई जा रही है वो इसलिए है, एक तो अमावस दोष, मंगल शनि की युति दूसरे भाव में, बुध और राहु की दशा और अंतरदशा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये अमावस दोष है, इससे आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाएगी, आप खुद भी प्रसन्न रहेंगे। अब बात करते हैं बुध की और राहु की, उनका क्या किया जाए जो इस समय उनकी दशा और अंतरदशा चल रही है। बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, आपकी कुंडली में वो सुखेश हैं, सप्तमेश हैं, होकर विदेश भाव में बैठ गए, अर्थात पढ़ने के लिए या आपको काम रोजगार के लिए बाहर अवश्य जाना चाहिए। टीचिंग करवा सकते हैं आप, मार्केटिंग कर सकते हैं आप, ये बुध देवता करवाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना है, मेहनत करनी है। मंगल शनि की युति धन भाव में, अर्थात क्रूर ग्रह हैं, संघर्ष करवाएंगे तब आपको प्राप्त होगा। और माता जी माँ जगदम्बा हैं, वो आपकी इस चीज में मदद करेंगी। मैंने वीडियो डाले हैं चतुर्थी तक माँ जगदम्बा को क्या भोग लगाएं कि वो प्राप्त हो जाते हैं। तो आप अगर आपको दुख है, यदि आप दुखों से आक्रांत हो रहे हैं, कोई भी चीज़ की आपको कमी है, तो माता जी को भोग लगाया जाता है, उनसे वो सरलता से आशीर्वाद के रूप में हमको मिल जाती है। तो माता जी को जो मैंने वीडियो डाले हैं भोग के प्रतिपदा को क्या भोग लगाएं, द्वितीय को क्या भोग लगाएं, चतुर्थी को, तृतीय को क्या भोग लगाएं कि क्या प्राप्त हो जाए, वो सब मैंने आपको बता रखा है। आप उन वीडियो को देखिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ उनको शेयर कीजिए ताकि और भी फायदा उठा सकें। अब बुध के लिए मैंने वीडियो डाला है संकटनाशक गणेश स्तोत्रम, आप वो 2 मिनट लगते हैं उसको पढ़ने में, आप उसको उठते के साथ ही बिस्तर में ही जाप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, अद्भुत लाभ होगा आपको। गणेश जी जो हैं विघ्नहर्ता हैं और ज्ञान के भंडार हैं, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे इस चीज़ में। बुधवार वाले दिन गणेश जी को आप दुर्वा दूब जो होती है ग्रीन कलर की घास, वो 21 टुकड़े हैं लेकर आइए उनको, 21 दुर्वा घास उनको अर्पित कीजिए, ओम गम गणपति नमः मंत्र बोलकर 2 लड्डुओं का उनको बुधवार को भोग लगाइए, फिर आप इसका फायदा देखिए कैसे जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। बुध होता है बच्चा, तो अगर यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे आपके पास प्रसन्नता से रहते हैं, उनकी आप मतलब जैसे कोई किताब है, चॉकलेट है, ऐसी चीज़ आप उनको देते हैं, तो इससे भी बुध मजबूत हो जाता है। किन रोग को 10-15 रुपए की आप हरी सब्जी भी अगर दान करते हैं तो भी बुध मजबूत हो जाता है। बुआ है, मौसी है, बहन है, इनकी आप यदि मदद करते हैं तो भी बुध मजबूत हो जाता है। बात करें राहु की, पंचम भाव में चंद्रमा के घर में, चंद्रमा वैसे ही पीड़ित है और ये 5वें भाव में बैठ गया राहु, तो ये क्या है, ये धार्मिक चीजों से हटाने का प्रयास करता है, भगवान की भक्ति से दूर करने का प्रयास करता है। हम मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट कम कर देता है, और संघर्ष इतना करवाता है, दुख इतना देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने पर उतारू हो जाता है, 5वें भाव में है। तो यदि आपकी शादी हो जाएगी तो संतान में भी ये रुकावट पैदा करेगा, ये नौबत ला देगा शिक्षा छोड़ने की, पढ़ाई से दूर कर देगा, ये पढ़ाई करने नहीं देता, आलस्य गुस्सा ये भर देता है इंसान के अंदर। तो आप सावधान रहिए, सजग रहिए,
कुछ भी फैसला ले सोच समझ के, माता पिता के संसर्ग में आकर उनके साथ में बैठ कर तभी फैसला लें। जितना हो सके आप खुद प्रसन्नचित रहें, भगवान गणेश की भोलेनाथ जी की सेवा कर कीजिए, राहु कुछ नहीं कर पाएगा, शुद्ध और सात्विक रहिए। और आपको बता दूं मैं, आपका वर्ण जो है विप्र है अर्थात ब्राह्मण वर्ण है, और ब्राह्मण वर्ण को राहु बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, तो घबराइएगा नहीं। हर कष्ट के पीछे, हर चीज़ कुछ भी जब हम संघर्ष करते हैं उसका फल जब मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है, इस पर विश्वास बनाए रखिए। त्राटक, ये मैं आपको थोड़ा हटके बताता हूँ, कुंडली से मन को स्थिर करने के लिए जैसे त्राटक है, त्राटक कर सकते हैं, साक्षी ध्यान कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। योगासन प्राणायाम है, जिम है, ये चीज़ आप शुरू कीजिए। और घर के अंदर रहेंगे, अकेले बैठे रहेंगे तो मन ज़्यादा अस्थिर रहेगा, जो मैंने उपाय बताया आप उनको करके देखिए, फिर आप फायदा देखिए, परेशानी छूमंतर हो जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और जिनको भी आप आस पड़ोस में देखते हो, दुखी हो, परेशान हो, रोगी हो, उनको आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। इसी के साथ ही विदा लूंगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।